क्या आपने कभी सोचा है अगर इस दुनिया में पैसा ना होता तो हमारी लाइफ कैसे चलती? कैसे हम चीज़ें खरीदते या कैसे हम चीज़ें बेचते? हमारे पास मनी तो थी नहीं, तो ट्रांजैक्शन कैसे करते? हम कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? हम बहुत पुरानी दुनिया की बात कर रहे हैं। यस स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मनी एंड बार्टर सिस्टम। Welcome to the channel. I'm Saloni Dhiman and I'm going to teach you money and barter system. So let's begin with the video. As we all know, money is a medium of exchange. अगर हमने कुछ भी सेल करना है, परचेज करना है, we need money for it. अगर हमें मार्कर भी खरीदना है या फिर अगर कोई 5 rupees का पेन भी खरीदना है, we need money for that. अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, शॉपकीपर हमें 1 rupee की चीज़ भी नहीं देगा. सो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन इन दिस वर्ल्ड, एंड हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए हमें मनी बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इंडिया में कौन सी मनी यूज़ होती है, कौन सी करेंसी इज़ यूज्ड? एवरी वन ऑफ अस नो रुपीज़ आर यूज्ड इन इंडिया, बट इन USA और इन अदर कंट्रीज़ दे हैव देयर ओन करेंसीज़. जैसे US का US डॉलर्स है, कैनेडा का कैनेडियन डॉलर्स है, कंट्री का अपनी अपनी करेंसी है. कभी सोचा है जब पैसे नहीं थे तब दुनिया कैसे चलती थी, कैसे ट्रांजेक्शन्स होती थी, कैसे सेल परचेज होती थी? यस, आप ये नहीं बोल सकते कि उस समय में सेल परचेज नहीं होती थी. इट वुड बी वेरी रॉन्ग टू से दैट. उस समय भी सेल परचेज होती थी विदाउट मनी. यस, यू हर्ड इट राइट, विदाउट मनी भी सेल एंड परचेज होती थी, जिसको हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं. सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है? जब बिना पैसों के हम लेन देन करते हैं, गुड्स को परचेज या सेल करते हैं, उसको हम बार्टर सिस्टम ऑफ मनी कहते हैं. इसका दूसरा नाम सीसी इकोनॉमी भी है, जिसका मतलब है कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी. कैन बी आस्क्ड इन योर MCQ, क्यों छोड़ के जाना है भाई? ये एक ऐसा सिस्टम था जो हमारे बहुत पुराने लोगों ने ये अप्लाई किया है, लेकिन इस सिस्टम की कुछ ड्रॉबैक्स थी, बहुत दिक्कत आती थी उन्हें ट्रांजेक्शन्स करने में, जिसके कारण मनी एज ए कॉन्सेप्ट आया हमारे पास. मनी को डिटेल में पढ़ने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, तभी हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा. द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट. अब क्या है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स? लेट्स टेक एग्जाम्पल, हैव सम पेशेंट, आई एम हेयर टू टीच यू. तो ए एंड बी दो गुड्स हैं, ए एंड बी दो पर्सन्स हैं. ए के पास हॉर्स है और उसको शूज़ चाहिए, उसके पास एक्स्ट्रा हॉर्स है एंड ही वॉन्ट्स टू सेल इट ऑफ. बी के पास वीट बहुत ज़्यादा है और उसको बदले में क्लोथ्स चाहिए. तो क्या है, ए और बी चल पड़े, रास्ते में ढूंढ रहे हैं कोई तो मिल जाए जिसको मेरा घोड़ा चाहिए, बदले में मुझे शूज़ दे दे. ये बोल रहा है कोई तो मिल जाए जिसको वीट चाहिए और बदले में मुझे क्लोथ्स दे दे. और ऐसा करते करते इनको सालों साल बीत गए, लेकिन इनको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जो इनकी वीट ले सके और बदले में इसको क्लोथ्स दे सके. सो द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मीन्स टू पर्सन्स, उनके पास ऐसे गुड्स हों जो एक दूसरे को चाहिए. अगर ए के पास क्लोथ्स होते और बी के पास शूज़ होते तो वो इमीडिएटली ट्रांजेक्शन कर सकते थे. इन प्रेजेंट दे हैव डिफरेंट कमोडिटीज़, जिसके कारण ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही. दिस इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट नहीं था जिसके कारण ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही थी, इसी कारण मनी आई है हमारी. टर्निंग टू सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. वेरी इंटरेस्टिंग. आज के समय में क्या होता है, हर चीज़ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेजर करते हैं. पेन 20 rupees का, चेयर 2000 rupees की, टेबल 5000 का, AC 40,000 rupees का. मीन्स एवरी कमोडिटी दे हैव ए कॉमन यूनिट दैट इज़ रुपीज़, और हम मनी के टर्म में हर चीज़ की वैल्यू को मेजर करते हैं. बट इन बार्टर सिस्टम ये ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अगर हम किसी की वैल्यू, किसी के पास वीट है, किसी के पास क्लोथ्स है, और एक दूसरे को मेजर करना बहुत मुश्किल था. मतलब 1 kilo वीट के बदले वो कितने क्लोथ्स दे, या फिर 1 cloth के बदले वो कितनी वीट दे. दैट वॉज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ऑफ बार्टर सिस्टम ड्यू टू विच मनी केम इन. थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि आप पुराने समय में चले गए हो, तो मैंने आपसे बोरो करना है वीट,
ठीक है, बिकॉज मुझे खाने की बहुत ज़रूरत है तो मुझे वीट चाहिए, मैंने अपने एक फ्रेंड से इसको बोरो कर लिया है, ठीक है, और उसको मैंने ये बोला है कि चलो ठीक है तू 2 साल बाद मेरे से वीट ले ली। अब ये फ्रेंड है ना, ये इसको बहुत गुस्सा चढ़ा, ये बोल रहा है 2 साल बाद वीट दे दूँ, इसका क्या मतलब है भाई? 2 साल में तो ये हो सकता है कि वीट ख़राब हो सकती है या फिर मेरी वीट की क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है। मींस द थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हो सेम क्वालिटी सेम टाइप ऑफ वीट रिटर्न करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो यही हमारी थर्ड डिसएडवांटेज है बार्टर सिस्टम की, जो कि है डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स। आज हमने किसी से कोई चीज़ उधार ली है, आगे जाके हम वही चीज़ उसको वापस कैसे करेंगे इन सेम क्वांटिटी और क्वालिटी, बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल था। डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। पुराने समय में किसी भी चीज़ को स्टोर करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास वीट है एंड आई वांट टू सेव इट फॉर 15 ईयर्स, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज इन 15 ईयर्स वीट विल गेट स्पॉइल्ड, क्योंकि ये पैरिशेबल है, जल्दी ख़राब हो सकती है। बट आजकल क्या है, पीपल सेव देयर वेल्थ, सेव मनी इन फॉर्म ऑफ कैश, बैंक्स में डिपॉजिट कर लेते हैं, विच कैन बी यूजफुल आफ्टर 10 or 15 ईयर्स और वेन एवर दे रिक्वायर। और जितना ज़्यादा वो सेव करेंगे उतना ज़्यादा वो वेल्दी भी होते जाएंगे, और जितना कम सेव करेंगे वो उतने ही ज़्यादा पुअर हैं। सो इन्हीं ड्रॉबैक से हमारे बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी बना है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सेविंग, हर चीज़ को मेजर कर सकते हैं, क्या उसकी कितनी कॉस्ट है, कितनी प्राइस है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक फ्यूचर पेमेंट्स विद द हेल्प ऑफ मनी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्म्स ऑफ मनी, लेकिन इसको पढ़ने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट ऑफ माय वीडियोस। फॉर्म्स ऑफ मनी, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मनी, फिएट मनी एंड फिड्यूशियल मनी, फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। फिएट मनी में क्या होगा, दिस इज़ अ मनी विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो मनी इशू हुई है उसको हम फिएट मनी बोलते हैं। इसमें सारे हमारे पेपर कॉइन्स, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स इंक्लूडेड होंगे। जितने भी मनी हमारी चल रही है, 5 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन, 50 रुपीज़ का नोट, 2000 का नोट, दीज ऑल विल बी इंक्लूडेड इन फिएट मनी। हमारे पास आएगा फिड्यूशियल मनी विच इज़ इशूड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट ऑफ टू पार्टीज़। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, ए एंड बी है, ए ने बी को चेक दिया है 1 करोड़ रुपीज़ का, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया है ये चेक ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट कि ए के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज़ होंगे। दिस इज़ योर फिड्यूशियल मनी, और इसकी एक एग्जांपल है चेक। फिर हमारे पास आता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी में कॉन्सेप्ट आएगा कमोडिटी वैल्यू एंड मनी वैल्यू का। फुल बॉडीड मनी में क्या होगा, कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने 5 रुपी कॉइन का एग्जांपल लिया है, ये 5 रुपी कॉइन मेटल का बना है तो उसकी हम मेटल को कमोडिटी बोलेंगे, और इस कॉइन के ऊपर रुपीज़ 5 लिखा है तो ये इसकी मनी वैल्यू है। अब ये कॉइन की अगर मैं बात करूँ, इसका जो मेटल है दैट इज़ ऑफ 5 रुपीज़, एंड इस कॉइन के ऊपर क्या लिखा है, 5 रुपीज़। मेटल भी 5 रुपीज़ का है, कॉइन भी 5 रुपीज़ का है, कमोडिटी वैल्यू भी 5 है, कमोडिटी वैल्यू भी 5 है, मनी वैल्यू भी 5 है, उसको हम फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। क्रेडिट मनी में क्या है, कमोडिटी वैल्यू विल बी लेस, मनी वैल्यू विल बी मोर, लाइक इन केस ऑफ 2000 पेपर नोट। अब मैंने यहाँ पे एक नोट पेपर ले लिया है, ठीक है, इसके ऊपर 2000 लिख दिया है। विल यू एक्सेप्ट दिस पेपर फॉर 2000, अ ब्लैंक पेपर फॉर 2000? नो, बिकॉज इसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो बहुत कम है। पेपर 2000 का नहीं है, पेपर के ऊपर जो 2000 रुपया लिखा है उसकी वैल्यू है। सो इसमें क्या है, उस पेपर की कमोडिटी वैल्यू बहुत कम है एज कम्पेयर टू मनी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा है, उसको हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, बार्टर सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मनी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन प्रीवियस चैप्टर नेशनल इनकम में डाउट है,
इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में डाउट है, यू कैन वॉच दैट वीडियोज टू. आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.